कैसे आप लोग, स्वागत है आप सभी का मूवी डैडी चैनल के अंदर। आ गया हूँ फिल्मी दुनिया से काफ़ी सारे अपडेट्स को लेकर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप इंस्टाग्राम या फेसबुक पर देख रहे हैं तो मुझे प्लीज़ फॉलो कर दीजिए दिन भर फिल्मी दुनिया से अपडेट पाने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर वन, रॉकिंग स्टार यश की अगली फिल्म यानी यश 19 को लेकर एक अपडेट आ गया है, लेकिन इस अपडेट का कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। दरअसल एक ट्वीट के अनुसार यश 19 जो फिल्म है इसको बहुत जल्द अनाउंसमेंट किया जाएगा और इंडिया के बाहर एक ग्रैंड इवेंट में इसका अनाउंसमेंट किया जाएगा। फिल्म का शूटिंग श्रीलंका में किया जाएगा। हॉलीवुड के काफ़ी सारे टेक्नीशियंस इस प्रोजेक्ट के अंदर इंक्लूड रहेंगे। अनाउंसमेंट के अंदर टाइटल प्लस कैरेक्टर पोस्टर भी ड्रॉप किया जाएगा। लोगों ने जब इस बंदे को पूछा कि इनका सोर्स क्या है तो इन्होंने कहा कि यश 19 फिल्म के VFX डिपार्टमेंट से है ये। देखते हैं आगे चलकर क्या होता है। नंबर टू, मनोज बाजपेयी प्राची देसाई स्टारर फिल्म साइलेंस जो कि Z5 पर आई थी 2021 में, अब इस मूवी के सीक्वल का शूटिंग कल से शुरू कर दिया गया है जो कि बाय द एंड ऑफ सितंबर रैप अप कर दिया जाएगा। मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं अवन भरोचा देवहान। नंबर थ्री, 2022 को रिलीज हुई थी बंगाली फिल्म होत्तापुरी। अभी फेलुदा के एक और स्टोरी नयन रहस्य को लेकर एक और मूवी आएगी डायरेक्टेड बाय संदीप रे, जिसका शूटिंग अगस्त के लास्ट वीक से शुरू किया जाएगा। स्टोरी के अंदर जितने भी प्लेसेस का जिक्र किया गया है उन सारे लोकेशंस में इस मूवी का शूटिंग किया जाएगा, लेकिन इसका रिलीज डेट अभी तक कुछ भी अनवील नहीं किया गया है और इस बार सुरिंदर फिल्म्स के बैनर के अंदर इस मूवी आएगी। नंबर फोर, कहा जा रहा है कि जवान मूवी का पहला गाना जिसका टाइटल है जिंदा बंदा, इस गाने के विजुअल्स में 1000 से भी ज़्यादा डांसर्स रहने वाले हैं। इस गाने का टोटल बजट है 15 करोड़। सेमी पॉपुलर एक्ट्रेसेस लाइक संजीता भट्टाचार्य, लहर खान और गिरिजा ओक भी इस गाने के अंदर नजर आएगी। इंडिया के अंदर चार अलग अलग शहरों से डांसर्स बुलाया गया है इस गाने के अंदर परफॉर्म करने के लिए। नंबर फाइव, आ रही है वाणी कपूर की डेब्यू वेब सीरीज मंडाला मर्डर्स। ये एक क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज है जिसको प्रोड्यूस कर रहे हैं यश राज फिल्म्स और डायरेक्टर हैं गोपी पुत्रन। वाणी कपूर ने इस सीरीज के बारे में जिक्र करते हुए ये कहा कि ये एक क्लाटर बेकिंग सीरीज होने वाली है। नंबर सिक्स, कहा जा रहा है कि डायरेक्टर एक्टर प्रोड्यूसर पृथ्वीराज सुकुमारन ने एक गैंगस्टर ड्रामा स्टोरी नैरेट किया है एक्टर प्रभास को, लेकिन एक्टर की तरफ से अभी तक कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया है, अभी तक कुछ भी फाइनलाइज नहीं हुआ है। देखते हैं आगे चलकर क्या होता है। अगर ऐसा सच में होता है तो काफ़ी बढ़िया होगा। नंबर सेवन, अनुराग काश्यप प्रेजेंट्स काल्की केकलिन दीप्ति नवल स्टारर मूवी गोल्डफिश का आज रिलीज डेट अनाउंसमेंट कर दिया गया है। इस मूवी को काफ़ी सारे बड़े बड़े इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के अंदर ऑलरेडी शोकेस कर दिया गया था। इस मूवी का डायरेक्टर है पूषण कृपालनी और इस मूवी को 25 अगस्त थिएटर पर रिलीज कर दी जाएगी। नंबर एट, तेलुगु सुपरस्टार वरुण तेज की अगली मूवी जिसका वर्किंग टाइटल है VT14, इस मूवी के अंदर वरुण तेज के ऑपोजिट अब नजर आएगी नोरा फतेही। ये मूवी एक पीरियड ड्रामा फिल्म होने जा रही है जो कि 1960s के वाइजक के बैकड्रॉप पर बेस्ड है। इस फिल्म को जुलाई 27 को ग्रैंडियर तरीके से लॉन्च किया जाएगा हैदराबाद में। नंबर नाइन, कुछ ही दिन पहले मृणाल ठाकुर और नानी स्टारर मूवी नन्ना हाई नन्ना या फिर हिंदी में हाई पापा का टीज़र ड्रॉप किया गया था जो कि फैंस को बहुत पसंद आया था। इस मूवी से लेटेस्ट अपडेट ये है कि इस मूवी के अंदर एक्टर अंगद बेदी साउथ फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू करने वाले हैं। नंबर टेन, कुछ ही दिन पहले ये अनाउंसमेंट हुआ था कि आलिया भट्ट डायरेक्टर वसंत वाला की अगली फिल्म के अंदर नजर आएंगे। फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं करण जौहर। लेटेस्ट रिपोर्ट्स ये है कि अब आलिया भट्ट के साथ एक्टर वेदांग रायना भी नजर आएगा। उसका डेब्यू फिल्म आ रहा है द आर्चीज डायरेक्टेड बाय जोया अख्तर। नंबर 11, अपकमिंग बंगाली मूवी बोमकेश और दुर्गा रहस्य स्टारिंग सुपरस्टार देव, इस मूवी का कल ट्रेलर ड्रॉप किया जाएगा, कल यानी 27 जुलाई को। नंबर 12, फिल्म साना डायरेक्टेड बाय सुधांशु सारिया स्टारिंग राधिका मनन इन द लीड रोल, इस मूवी को काफ़ी सारे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के अंदर ऑलरेडी शोकेस कर दिया गया था। अब इस मूवी को इंडियन फिल्म फेस्टिवल मेलबोर्न यानी IFFM में भी शोकेस किया जाएगा। बाकी के अपडेट्स इस चैनल में शॉर्ट्स के रूप में है, मेरे चैनल्स को फॉलो कीजिए उन सारे शॉर्ट्स को देखने के लिए। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड शेयर। थैंक यू, जय सिनेमा।